2015 से है इसका, कि ये 3 साल 4 साल ऐसे करते ये बहालियां लगाती हैं और निकालती हैं, जिससे बहुत सारे युवाओं के साथ ये गेम खेलती है। और एक बात बोलना चाहते हैं मैडम, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों। मेडिकल ठीक होते हुए भी हम लोग के मैंने मेरिट से बाहर कर दिए हुए हैं। मैं बिहार से हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। मैं एसएससी जीडी 2018 में अप्लाई किया था फॉर्म, और 19 में एग्ज़ाम दिया, फिर लास्ट 19 में फिजिकल हुई और 20 में मेरा मेडिकल हुआ। और एक साल पूरा डिले कर आया ये रिजल्ट प्रोसेस के लिए, मेरिट के लिए पूरा। 21 जनवरी 2021 को ये मेरिट दिए। मेरिट में इन्होंने पहले साफ कर दिया था कि मेडिकल में 1,09,000 लड़के पास किए थे, उसमें इन्होंने 55,000 लगभग लड़के को इन्होंने मेरिट में शामिल किया, बाकी को बाहर कर दिया। जबकि सीट हमारे 60,210 पद थे, उसमें से मात्र ये 55,000 लिए। ऐसा क्यों? अगर जो ये भर्ती जो वैकेंसी है ये आगे मतलब इंक्लूड करते हैं तो हम लोग जब फिट होते हुए भी हम लोग कहाँ जाए। तो सरकार ये तो समझ नहीं रही है, सिर्फ ये अपना रूल फॉलो कर रहे हैं। तो किस बात का रूल है ये? रूल आपने जो बनाया है, क्या रूल सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही रूल बनते हैं या फिर सभी के लिए? अगर जो आप रूल पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सभी में रूल फॉलो करो ना, ये सिर्फ मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी के लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हो, और एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके लिए आप वेटिंग लिस्ट जारी करते हो, तो क्या एक ग्रुप डी लेवल के लिए, कॉन्स्टेबल लेवल के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो सकता? अगर जो आप ऐसा नहीं करते हो तो आप सारे रूल बंद कर दो। उसके बाद ये यूपीएससी में एक और आया कि मतलब कोरोना काल के कारण एक बार उन्हें मौका दिया गया है मतलब फिर से अप्लाई करने का, तो जब आप उसे मौका दे सकते हो तो क्या हम लोग ओवर एज हो चुके हैं जो अगले वैकेंसी हम लोग नहीं भर सकते हैं, तो क्या हम लोग को मौका एक साल नहीं दे सकते सरकार? अगर जो वैकेंसी रहते हुए भी आप नहीं सुनते हो तो आप ओवर एज वाले ही मैटर दे दो मुझे, फिर से हम क्वालिफाई देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि आपने तो पहले ही मुझे बेरोज़गार कर चुके हैं। अगर जब ये सरकार इतना पर भी नहीं सुनती है तो आप सरकार सोच ले कि जब हम लोग बेरोज़गार होंगे या हम लोग सड़क जिस तरह सड़कों पर भटक रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में सरकार भी भटके, ये उनको सोचना चाहिए था। और एसएससी के जहाँ तक सवाल है तो एसएससी पहले ये क्लियर कर ले कि हम अगर जो डिजिटल बना रहे हैं तो डिजिटल आप किस बात के बना रहे हैं? अगर जो आप एग्ज़ाम एक मतलब प्रोसेस करने के लिए आप 2-3 साल लगाते हो तो आप कौन सा डिजिटल बना रहे हो? या आपका कौन सा मतलब रूल फॉलो हो रहा है जो एक एग्ज़ाम में 3 बार रिजल्ट देते हो, कभी बढ़ाते हो कभी घटाते हो, कभी किसी का नंबर बढ़ जाता है किसी का घट जाता है, ये कौन सा नंबरलाइज हुआ? अगर जो नंबरलाइज है तो आप सेम करो ना। उसमें भी एक और क्वेश्चन है कि ये जो नंबरलाइज कर रहे हैं किसी का 15 नंबर किसी का एक भी नंबर नहीं, अगर जो आपका पेपर हार्ड है ये एसएससी बोर्ड कैसे चूज कर सकती है? अगर जो उस लड़का में उस डेट जो एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं उस डेट में अगर जो पूरे नॉर्मल है या पूरा तेज है लड़का, तो उसमें तो नंबर ऐसे भी हाई हो जाएगा। अगर जो नंबर हाई हो जाता है आप उसको कंपेयर कर देते हो कि इस शिफ्ट का क्वेश्चन लूज है, तो क्या गारंटी? अगर जो बच्चे नहीं जान रहे, जो फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, उनको तो लगेगा ही हार्ड क्योंकि वो पूरा प्रोसेस नहीं कर पाए, और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनका और इसमें तो कंपेयर करना ये अलग होगा। ये यहाँ तक सवाल हुआ। अगर जो हम एक चीज़ और मैं एसएससी से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर जो हम 100 लड़कों का एक एग्ज़ाम एक डेट में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो क्या जो 10 नंबर एक शिफ्ट में बढ़ा रहे हैं, क्या वो 10 में 10 क्वेश्चन अगर जो हम 10 नंबरलाइज डायरेक्ट उसको मार्क दे रहे हैं, तो 10 में 10 क्वेश्चन अगर जो लूज क्वेश्चन उसे दिया जाए तो 10 में 10 नंबर वो सही ला पाएगा? या किसी को भी ऐसा कोई भी लड़का 10 में 10 टोटल नहीं सही कर पाता, क्योंकि कितना भी लूज क्वेश्चन हो आदमी का माइंड कन्वर्ट हो ही जाता है, गलत वो रॉन्ग हो ही जाता है। तो एसएससी कैसे चूज कर सकती है कि ये शिफ्ट का क्वेश्चन लूज है या ये शिफ्ट का हार्ड है? उसके बाद ये वैकेंसियाँ इनको ये समझ में नहीं आती है, अगर जो हर राज्य में एक एक राज्य पुलिस एसएससी मतलब रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट हुए जो लड़का यहाँ से बाहर हो चुके हैं, और वो सीट जो लड़का ये 55,000 सीट दिए
और जो सीट जितना लड़का ज्वाइनिंग करते हैं उनके उनके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सीट बच जाती है जो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं वो सीट तो मुझे दे दी जाए। अगर जो वो सीट अगर जो आप अगले वैकेंसी में इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ के बच्चे बहुत सारे ओवर एज हो चुके हैं जो कि 75% के लगभग में, आप ये SSC डाटा भी निकाल सकते हैं या भारत सरकार चाहे तो वो डाटा निकाल सकती है, इसमें कोई दूर आई नहीं। अगर जो डाटा निकाल ले उसमें लड़का ओवर एज हो चुका है, अब ये रोज़गार की बात करते हैं तो कौन सा रोज़गार आप दे रहे हो, यहाँ सारे लड़का फिट है उसके बाद भी तो आप बेरोज़गार कर रहे हो, आप तो थोप रहे हो बेरोज़गारी का, उस पर ठप्पा मोहर मार रहे हो, तो कौन सा रोज़गार ये है। तो आप रोज़गार ये मत कहीं स्टेटमेंट दो कि हम 2 करोड़ रोज़गार दे रहे हैं या कोई स्टेट में इलेक्शन है तो 19 लाख रोज़गार दे रहे हैं। जैसे बिहार में ही अभी मोदी सरकार आए थे तो मोदी जी बोले थे कि हम बिहार को 19 लाख रोज़गार देंगे, अभी पश्चिम बंगाल में शायद वहाँ भी कितना रोज़गार की बात की है क्योंकि इसी का आंकड़ा तो मुझे क्लियर नहीं है इसीलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ भी रोज़गार की बात करते हैं। तो कौन सा रोज़गार आप दे रहे हो, तो यहाँ लड़का जो फिट है हर चीज़ से क्वालिफाई है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो भी योग्यता है वो सारे चीज़ क्वालिफाई की हुए, तो आप रोज़गार कहाँ दे रहे हो, आप तो बेरोज़गारी का ठप्पा मोहर मार रहे हो, ये तो बलजबड़ी उस पर थोप रहे हो कि नहीं आप बेरोज़गार हो जाओ, तो आप रोज़गार देने की बात ही मत करो। या फिर ये बोल दो आप डायरेक्ट कि हम मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है आप अपना देख लो, कोई तैयारी नहीं करो, सब आ जाओ चाय बेचो जो भी करना है वो करो, आत्मनिर्भर बनो, ये कौन सा आत्मनिर्भर है। अगर जो आपके पास वैकेंसी या फिर ये भी कर दो नहीं तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या जो भी आर्मी फोर्सेस है आप उसे प्राइवेट कर दो, सब ही प्राइवेट कर रहे हो तो इसे भी कर दो, ठीक है मैम। और मैं ये न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ये फर्स्ट डे से हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारे न्यूज़ को दिखा रहे हैं, हमें बढ़ावा दे रहे हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके सब मेरे लिए उनके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो तुम बोल सको, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू मैम जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम राम प्रवेश कुमार हुआ, मैं बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। मैम हम 2018 का SSC GD का कैंडिडेट है जिसमें मैम 2018 में 60,210 पे वैकेंसी निकली हुई थी और 19 में हम लोगों ने मैंने एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद फिजिकल पास किए थे, उसके बाद हम रिटर्न पास किए थे, उसके बाद देखिए मैम इसके 21 में 2021 में 21 जनवरी को हम लोग को मेरिट दिया और मेरिट में मैम हमको क्या किया कि जो मैंने टोटल मेडिकल फिट कैंडिडेट था 1,09,000 जिसमें 55,000 कैंडिडेट को मेरिट में किया और 54,000 कैंडिडेट को मेरिट से बाहर कर दिया गया। सरकार से हम यही अति है कि जब सरकार जब अपने सत्ता में आती है तो जैसे सत्ता में आती है तो हर स्टेट में बोलते हैं कि हम आपके स्टेट में सत्ता में आएंगे तो 19 लाख हम रोज़गार देंगे, जैसे बिहार में गए थे तो बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख रोज़गार देंगे, फिर उनके सरकार बनी तो हम लोग कहते कि बिहार का है और फिर भी रोड पर दिल्ली के सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर के भटक रहे हैं। जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब सरकार अपनी चुनाव कराती है तो साल में एक साल के बदले 3 महीना में 3 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, हम लोगों का देखिए कि अब एक साल के जब 18 में वैकेंसी निकाला और 21 में जो मैंने मेरिट निकाली उसके चलते हम लोग का 75% बच्चा जो है ना ओवर एज हो गया हुआ है और सरकार का जब ऐसा हम लोग गाइडलाइंस जिस तरह हमारे तरह मैंने हम लोग का जो है रूल्स है वैसे सरकार के तरह मैंने रूल रहना चाहिए कि जैसे अब एग्जाम उसका इलेक्शन हो रहा है तो 3-4 साल में वोटिंग होना चाहिए, उसका गिनती होना चाहिए, तो उस सब के लिए 3 साल का बदला 3 दिन होता है, हम लोग का 3 साल भर का मैंने अति चलते हम लोग का 4-5 साल लगाता है, इसलिए हम ओवर एज हो गए हुए हैं, इसलिए हम सरकार से गुजारिश है हम लोग का मैंने यही है कि जो नई वैकेंसी है उसके लिए दे रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा यही उम्मीद है कि हम लोग का सरकार ज्वाइनिंग दे दे जितना हम लोग ओवर मैंने मेडिकल फिट हुए हैं, मेडिकल फिट होते हुए भी हम लोग के मैंने मेरिट से बाहर कर दिए हुए हैं, हमको मैंने ऐसे दिल्ली के सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, 1.5 महीने से हम लोग जो है दिल्ली में दर दर की मैंने भटक रहे हैं, कभी राष्ट्रपति भवन में, कहीं संसद भवन में, कहीं गृह मंत्रालय में, सब जगह जा रहे हैं, हर जगह मेमोरेंडर जमा किए लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिहार से नालंदा ज़िले से आया हूँ और आज जानकर के मुझे अच्छी खुशी हुई कि संसद में हमारी बातों को रखा गया, क्योंकि हमारी इस परिश्रम का फल ही है जो आज संसद में लोगों ने आज इस मुद्दे को रखा और कल इस मुद्दे के प्रति इंसाफ ही मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग का मेहनत रंग लाएगा और मेहनत कभी किसी की हार नहीं जाती। ये जो SSC है वो तो भले ही अच्छा 2015 से है इसका,
कि ये 3 साल 4 साल ऐसे करते ये बहालियां लगाती हैं और निकालती हैं, जिससे बहुत सारे युवाओं के साथ ये गेम खेलती है। ये अच्छा पहला गेम ये कि फॉर्म निकाल करके अरबों खरबों रुपया कमाने का, दूसरा कि लोगों को फिट अच्छा करके भी रोड पे लाने का। मैं यही यूएसएससी को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ, बस ये गुजारिश करता हूँ कि आप उस हद तक ला करके भी आप बेरोजगारों को रोड पर छोड़ देते हो कि आप प्रोटेस्ट करो, ये सरासरी गलत है। मैं SSGED 2018 का क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम सत्यजीत राव है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा जो बात है संसद में उठा है, और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुना तो मतलब ये प्रोटेस्ट बहुत दूर तक जाएगा और बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और एक बात बोलना चाहते हैं मैडम, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश मोरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इलेक्शन आते ही, जब इलेक्शन आ रहे हैं तब आप वादे मत कीजिए, इलेक्शन होने से पहले आप जो बेरोजगार है उनको रोजगार दीजिए, और अपना आप कितने अच्छे हैं समाज के सामने सामने लाइए। क्योंकि हम जब 3 साल से इधर उधर जो भटक रहे हैं, सरकार को अब तक नहीं दिख रहा है, जो नई भर्ती जो आ रही है वो भी बच्चों के साथ ऐसा ही होगा, वो भी फॉर्म भरेंगे, सब फिट हो जाएंगे, और फिट होने के बावजूद भी जो आप हम जब इस पोजीशन में जब आज सड़कों पे है, वही 2 साल बाद ऐसे ही सब करने वाले वो भी सड़कों पे आएंगे। दूसरी बात ये कि जो SSC नॉर्मलाइजेशन करती है, नॉर्मलाइजेशन करने का एक पद्धति भी होनी चाहिए, उनके मन पे बच्चों के जितने नंबर बढ़ाने के बढ़ा देती है, जिनके जितने घटाए घटाने दिए। अब मेरे 54 नंबर थे और मेरे दूसरे एक बच्चों के 54 नंबर थे, उसके डायरेक्ट मैम उसके 65 नंबर कर दिए है और मुझे सिर्फ 58 नंबर कर दिए, ये गलत हो गया ना, उनको इतना मार्क क्यों दिया। और बोलते हैं कि वो उसका पेपर हार्ड था और उसका पेपर इजी था, इजी और हार्ड के बीच में जो फासला करके वो जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ये गलत बात है। आप भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो, आप भी जो 100-100 मार्क पेपर कंडक्ट करते हो और बाद में बोलते कि इसका हार्ड, आप पहले ही क्यों करते हो इसका हार्ड और इसका इजी। और हम बोले क्या कि हमें इजी पेपर दीजिए और सामने वालों को हार्ड पेपर दीजिए और उसका नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए, ये एक तरह से गलत बात है ना। जब भी 10वीं 12वीं जो कौन से भी एग्ज़ाम होते हैं ना मैम, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती, ये तो ठीक है मैम एक एग्ज़ाम देने के बाद भी कैसे भी पास आउट हो जाएंगे, लेकिन मैम 10वीं और 12वीं फेल होने का मतलब लाइफ का प्रश्न नहीं होता है मैम, ये नौकरी है मैम, ये जो SSC निकालती है ये हमारे जीवन का प्रश्न होता है, इसी से हम बाद में हमारे घर को चला सकते हैं, हमारे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, ये SSC नहीं समझ पाती। दूसरी बात ये मैम कि ये सरकार से हमें कोई बैर नहीं है, ना ही हम उनके खिलाफ बोलते हैं। सरकार भी ऐसा काम करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला इतिहास उनको याद रखे। जो भी आज अपन नेते आपने देखे होंगे, हम सब ने देखे कि इतिहास उनको याद करता है, लेकिन अपने हाथ में है कि हमें बुरी नज़र से याद किया जाए या अच्छी नज़र से याद किया जाए। अब इतने बुद्धिजीवी लोग हैं मैम जो शासन पे है, शासन करते हैं। अभी आज ही संसद में जो मुद्दा हमारे यहाँ SSGED का हुआ है मैम, मुद्दा कहने से बोलने से नहीं होता है मैम। जो बुद्धि लोग हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, होम मिनिस्टर जी हैं, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका विचार होना चाहिए कि हाँ ये बच्चे रोड पे घूम रहे हैं और ये बच्चों के गरीब घर के हैं और इन्हें नौकरी की ज़रूरत है, ये जब वो समझेंगे मैम तब ये मुद्दे का अमल होगा और सबको नौकरी मिलेगी। इसलिए हम सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें ऐसा भटकने मत दीजिए और आने वाली पीढ़ी को भी भटकने मत दीजिए, हमें ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए और हमारा जो भविष्य है हमारा उज्ज्वल कर दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।